नमस्कार जे एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। यहां किया गया है रिश्तों का कत्ल, सौतेले बाप ने की अपने बेटे की हत्या। जनपद बहराइच के कोतवाली नगर इलाके में एक सौतेले पिता द्वारा अपने बेटे की हत्या किए जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका में सफाई करने वाला संतोष नाम का शख्स वजीरबाग स्थित घर पर अपने बच्चों के साथ मौजूद था। पत्नी सफाई का काम करने घर से बाहर गई थी। इसी बीच किसी बात को लेकर संतोष ने अपने सबसे पहले अपने 14 साल के बेटे की गर्दन का चाकू से काट दिया और उसके बाद एक छोटे बच्चे पर भी चाकू से वार किया और खुद पर भी चाकू से वार कर घायल कर लिया। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे मोहल्ले वाले ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल भेजा, जहां बेटी की मौत हो गई है और बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की सूचना पाकर जिला अस्पताल पहुंची एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है और आरोपी पिता ने खुद को भी घायल करने का प्रयास किया है। मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बहराइच ब्यूरो से अब्दुल कादिर की खास रिपोर्ट। पिंकी, कहाँ रहती हो? वजीरबाग कॉलोनी। क्या काम करती हो? सफाई कर्मी। तुम भी? हाँ। ये तुम्हारी बेटी की गर्दन पे चाकू किसने मारा? इनका दिमागी संतुलन मेरे हस्बैंड का ठीक नहीं था 2 महीने से, और दिमाग का इलाज करवा रहे थे, हम चले गए थे ड्यूटी, बस उसी दौरान अपने भी काटे है और बिटिया के भी काटे। अच्छा, नहीं तो काहे ली काटे? कहाँ, घर में काटा बाहर काटा? घर में। काहे ली, क्या रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है भैया। कहीं इलाज कर रहे हैं इनका? भूख झाड़ करवा रहे थे। सही नहीं हुआ? नहीं। तुमको क्या पता चला? हमको। बिटिया क्या नाम है? रिया। और दूसरा नाम? बस रिया ही। नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? संतोष नाम है। पिता का नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? जरवल में। गांव कौन सा है? वजीरबाग कॉलोनी में रहे। वजीरबाग थाना कौन सा है? ये कैसे क्या हुआ है? हमने किया। बेटी क्या नाम तुम्हारे? तानी। है? तानी। तानी कहाँ रहते हो? तुम जरवल में रहा? हम जरवल में शादी हम यहाँ हुए हैं। तो इस समय कहाँ रह रहे हो? समय यहाँ वजीरबाग कॉलोनी। ये कैसे तुमने गर्दन में चोट लगी? पता नहीं कैसे कहा हुआ। चाकू से काटे हो? नहीं, चाकू है? नहीं काटा। तो तुम्हारी लड़की कौन काटा? नहीं काटा। अच्छा, क्या काम करते हो? सफाई का काम। कहाँ पे? यही वजीरबाग कॉलोनी में। सफाई कर्मचारी हो? कहाँ तैनात हो? यही वजीरबाग कॉलोनी में। नगर पालिका से? काहे काटते हो गर्दन बच्चे? तो कौन काटा है? पता नहीं को काट दिया है। कहाँ मिली तुमको? हम नहीं काटा। तुमको कैसे, तुम्हारी गर्दन कैसे कटा है? हम लोग खुद कटवा है। मैडम, आज एक युवती की गला काटकर हत्या की गई है, एक बच्चे को भी घायल किया गया है, क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? जी, कोतवाली नगर के क्षेत्र अंतर्गत आज एक पिता द्वारा अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी का बड़े चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। और ये जो व्यक्ति है, अब जो अभियुक्त है, इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपने आप को भी एक सुपरफिशियल कट देके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। और ये जो व्यक्ति है, ये नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर स्वीपर का काम करता है, इसकी पत्नी भी स्वीपर के रूप में काम कर रही है। आज वो काम पर चली गई थी और बाकी बच्चे इधर उधर पड़ोस में खेल रहे थे, तो उसी दौरान इसने पहले अपनी इस बड़ी बेटी का गला काट कर हत्या की और बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण जान नहीं बच सकी, और फिर एक छोटे बेटे को भी गले पे अटैक किया, थोड़ा सा कट उसको भी है, फिर स्वयं को भी अटैक किया। मैडम, क्या वजह निकली अभी तक? अभी कुछ प्रथम दृष्टि या एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता लग पा रही है, तो इसमें अब ये जांच का विषय है, इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और फिर गहनता से पूछताछ की जाएगी, मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम सभी के लिए कार्रवाई की जाएगी।